दिलीप कुंभोधर देवानाम देव महादेवः जगत रक्षक परिपालकश्च। कुंभोधर देवा देव महादेव यानी देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं। परंतु इयम गुरो धेनुमया निश्चयेन रक्षणीय। परंतु यह गुरु की गाय निश्चयेन निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतदर्थ एताम परित्यज्य मा भक्षतु। इसलिए एता परिचित इसे छोड़ करके मा भक्षतु माने मुझे खा लीजिए। सिंह विहस्य हस करके विस्तृत साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्या धेनो रक्षयः स्वप्राणाम त्यक्तु मिच्छति। यानी कि अब सिंह हंस करके कह रहे हैं कि विशाल साम्राज्य नव यौवन और सुंदर शरीर को छोड़ करके किमर्थ आप क्यों इस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्यागना चाहते हैं। त्यजतु मूर्खत्व मूर्खता छोड़ो। धेनो जीवनस्य अपेक्षाया भवता जीवनम वरन। गाय के जीवन की अपेक्षा भवता जीवन वरन आपका जीवन श्रेष्ठ है। यतो ही भवान जीवित चेत सर्वासाम प्रजानाम सम्यक पालनम भविष्यति। क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। दिलीप कहते हैं छतात त्रायते यानी कि छत किसी को विपत्ति में देख करके त्रायते हम उसे बचाते हैं। यह क्षत्रिय का कार्य होता है। क्षत्रिय सन मया धेनु निश्चयेन रक्षणाया। क्षत्रिय होते हुए मुझे इस धेनु की निश्चय ही रक्षा करनी है। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राजेन प्राणे बा। क्षत्रियत्व के होते हुए भी क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से बच जाने पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अतः मम शरीर भक्षतु, इसीलिए आप मेरा शरीर खा लीजिए। इमा धेनु त्यज्य, इस गाय को छोड़ दीजिए। सिंह भवतु स्वशरीरम समर्पयतु, ऐसा ही हो आप अपना शरीर मुझे समर्पित कीजिए। यावत राजा सिंहस्य पुरतः अवनश्य शरीरम समर्पयति तावत सिंह अंतर्निहित भवति। जिस समय राजा सिंह के सामने झुककर स्वशरीर अपने शरीर को समर्पित करते हैं तावत सिंह अंतर्हित भवति, तब सिंह अंतर्निहित हो जाता है यानी कि वहां से गायब हो जाता है। नंदिनी धेनु प्रकट होती हैं और राजन मया भवान परीक्षित, हे राजन मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई थी। शरणागताम परित्राणायात भवत अनुपमाया निष्ठाया अहम नितराम प्रसन्न। शरणागत की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यहाँ पाठ खत्म हो जाता है। इस पाठ को आप देखिए और पाठ को समझिए।